विकास की ओर बलियाडीह पंचायत के बढ़ते कदम। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस तरह से कल बलियाडीह की मुखिया अंजुम खातून, मुखिया प्रतिनिधि मोइन अंसारी ने जनता को छठ घाट के अलावे संथाली टोला में पीसीसी सड़कों की सौगाती, इससे जनता में खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरह से मोइन का काम करने का स्टाइल है, जिस तरह से जो वहाँ के मुखिया हैं जो काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं जनता का एक तरह से विश्वास जीतने का प्रयास। हालांकि दोनों योजनाओं का उद्घाटन झाझा के लोकप्रिय विधायक दामोदर रावत ने किया, साथ ही साथ मुखिया प्रतिनिधि मुखिया के तमाम कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। छठ घाट एक मुस्लिम मुखिया के द्वारा बनवाना भी कहीं ना कहीं एक तरह से सामाजिक सौहार्द कहा जा सकता है। वैसे भी झाझा में सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा से बना रहता है। जिस तरह से जनता को ये सौगातें मुखिया दे रही हैं, कहीं ना कहीं आने वाला समय में मुखिया अपने जनता का दिल जीत पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बलियाडीह के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोइन। मोइन, जिस तरह से आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज झाझा विधानसभा विधायक द्वारा, दामोदर रावत जी के द्वारा से उद्घाटन छठ घाट के जो हुआ है नारगंजों में, मैं अथक प्रयास के बाद छठ घाट का निर्माण करा करके मैं एक समाज में विकास का रूपरेखा दिखाने के काम। मोइन, कहीं ना कहीं जनता की मांग थी, कई देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती ही है, कई लोग मुखिया बने लेकिन वहाँ विकास नहीं हो पाया, वो छठ घाट का निर्माण नहीं हो पाया, फिर आपने क्या सोचकर वहाँ छठ घाट का निर्माण किया? हमने सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान सबका मान लेकर मांग लेकर के हम चल रहे हैं। पंचायत को 20 वर्षों से जो पिछला पंचायत में गिनती था, उसको इस पंचायत को विकास के दृष्टि पर लेके खड़ा करने की तैयार है। अब भदवरिया में क्या हुआ? भदवरिया में आज जिस 25 वर्षों से ग्राम पंचायती राज जब से बना हुआ है, तब से आज तक वहाँ एक भी पंचायती राज का काम नहीं हुआ, वो आज मैं भदवरिया में PCC निर्माण कर करके श्रीमान ने झाझा विधानसभा के विधायक दामोदर रावत जी द्वारा उद्घाटन का किया। और मैं जनता से आग्रह करता हूँ आपके चैनल द्वारा, अगर इसी तरह से मुझे फिर से मौका मिला तो मैं 5 वर्षों में विकास का रूपरेखा तैयार है, इसका फूल खिलाने का काम करेंगे। ग्राम पंचायत राज बलियाडीह की मुखिया हमारे साथ जुड़ी हुई। मैडम, क्या कुछ हुआ आज, कितना ये जो छठ घाट का निर्माण हुआ है आपके द्वारा? जनता की कब बहुत पहले से मांग थी क्या? हाँ, पूरा मांग थी, बहुत मुखिया है मगर कि कुछ नहीं किया। वो पूरा दम सब जनता लोग रोकर गड़ा रहा था कि मेरा छठ घाट बन जाए, कि हम छठ पूजा करें। सब मांग कर रही है जनता, है ना? मांग कर रही। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह झाझा विधानसभा के विधायक आज आकर आपके पंचायत में उद्घाटन किए हैं, तो विधायक जी के लिए और यहाँ पे बलियाडीह पंचायत के जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देते हैं। किनको धन्यवाद दे रहे हैं? सब पूरा जनता को, जनता को और विधायक जी को। श्री दामोदर रावत जी के हाथों द्वारा संधि मिनटों में ये पावन स्थल नारगंजों में छठ घाट का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारी आवाज जहां तक गूंज रही हो, ग्राम नारगंजों की जो ग्रामीण जनता है, आप जल्द से जल्द आप लोग का भी बहुत सहयोग रहा और सहयोग के वजह से ये काम हुआ। और हमारे मोहन सिंह प्रकाश पंडित ये सब आप लोग आए और